इस रकम को आसानी से पढ़ना चाहें तो ये 12,000 करोड़ से कुछ ज्यादा की रकम है, और रकम को अगर भारतीय रुपए के एक एक अंश से समझें तो यह 1,21,54,21,00,000 रुपए है। और यह सिर्फ देश के 4 बैंकों का घाटा है, जिसकी वजह वही बैड लोन है जिसे रईसों को बैंक देती है और रईस लौटाते नहीं। और सरकार को लगता है कि लोन से माफी नहीं दी गई तो इकोनॉमी ही डावाडोल हो जाएगी। और जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो यह भी सामने आया, सत्ता इशारा करती है और कुछ करप्ट बैंक अधिकारी बैड लोन के खेल में फंस जाते हैं। तो इस सिलसिले को भी समझे, मार्च के आखिरी क्वार्टर में जिन 4 बैंकों के घाटे सामने आए उसमें केनरा बैंक के 4,860 करोड़, इलाहाबाद बैंक के 3,509 करोड़, यूके बैंक के 2,134.36 करोड़ और ओरिएंट बैंक के 1,650.22 करोड़। यानी एनपीए बढ़ रहा है, लोन का पैसा राइट ऑफ किया जा रहा है। तो सवाल दो है, क्या बैंकिंग प्रणाली फेल हो रही है या फिर क्या बैंकिंग प्रणाली को फेल किया जा रहा है? फेल होने का मतलब है बैंकों में भ्रष्टाचार, और इसका एक आंकड़ा सरकार ने ही संसद में दिया कि फिलहाल सीबीआई 44 बैंकों के 292 केसों की जांच कर रही है। और इसी फहरिस्त में सीबीआई ने इसी बरस 1,000 से ज्यादा छापे मारे। 19 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के खेल को पकड़ने के लिए मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक में छापा मारा गया, तो 23 मार्च को यूबीआई को चूना लगाने वाले गुजरात डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के दफ्तरों में छापे मारे गए, और 15 अप्रैल को यूको बैंक के पूर्व सीएमडी के घर पर छापे मारे गए। और नई ताजा तरीन स्थिति तो यह है कि पीएनबी घोटाले के मद्देनजर इलाहाबाद बैंक के पूर्व सीईओ के खिलाफ भी सीबीआई ने कार्रवाई की है। तो पहला सवाल बैंक अधिकारियों के मिलीभगत के खेल का उभरता है, चाहे वो एनपीए हो या मनी लॉन्ड्रिंग या फिर हवाला। और दूसरा सवाल जो सीबीआई जांच के दौरान उभरा, वो सत्ताधारियों के इशारे पर कॉरपोरेट उद्यमियों को बैंक से लोन दिया जाना, यानी बैंक अधिकारी ना भी चाहे तो भी उसे लोन देना पड़ता है। और मनमोहन सिंह के दौर से मोदी के दौर में एनपीए की राशि सिर्फ इंटरेस्ट रेट की वजह से 2,25,00,000 करोड़ से 9,00,000 करोड़ पार नहीं कर गई, बल्कि लोन देने का सिलसिला कैसे जारी रहा ये नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के केस में भी नजर आया। तो सवाल तीन है, पहला, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका सबसे बड़ी होती है। दूसरा, बैंकों की भूमिका को अब जानबूझकर दागदार बनाया जा रहा है। और तीसरा, बैंकों के समानांतर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाने के प्रयास हो रहे हैं। जी आइए इस खेल को भी समझ लें, क्या वाकई बैंकिंग के समानांतर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देश में शुरू हो जाएगी? ये खेल है क्या? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।